हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो रियलमी फ़ोन है, रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर जो हमारे फ़ोन में सिस्टम वॉलपेपर है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस प्रकार से शो रहे हैं। इसमें स्वाइप करके ऑल आइकन्स को ओपन कर लेना है। जो हमारे फ़ोन के ऑल आइकन से ओपन जाते हैं, इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पर। तो इस पर क्लिक करते हैं, हमारे फ़ोन की सेटिंग्स है इस प्रकार से हमारे फ़ोन में ओपन जाते हैं, देख सकते हैं ओपन हो चुकी है। तो इसमें से आपको क्लिक कर देना है पर्सनलाइज या सेटिंग, ये हमारा ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, इसते हैं ये हमारा ऑप्शन सारे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे फ़ोन की पर्सनलाइज सेटिंग से ओपन जाती है। तो हम अपने फ़ोन में जो डिफ्यूज सिस्टम वाल पेपर है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हमारे पास ये ऑप्शन आता है सिस्टम वाल पेपर का। क्लिक करते हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में ये कुछ सिस्टम वॉल पेपर्स आ चुके हैं। तो इसमें हमने डिफ्यूज सिस्टम वॉल पेपर को हम सेट करना चाहते हैं, तो इसमें से हम कोई भी एक वॉल पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देंगे अपनी स्क्रीन पर। देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन में डिफ्यूज सिस्टम वॉल पेपर है हमारे फ़ोन में सेट हो जाएगा, देख सकते हैं सेट हो चुका है। तो इस प्रकार फ़ोन की सेटिंग पर जाकर डिफ्यूल्ड सिस्टम वॉल पेपर को हम सेट कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।